दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्राम विकास अधिकारी यानी कि BDO भर्ती परीक्षा 2016। इसकी जो परीक्षा हुई थी BDO की, ये पेपर 5/6/2016 में हुई थी। इन्हीं के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, बेल आइकन इस टाइप का होता है, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो दोस्तों सूरदास के गुरु थे बल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं यति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां बाघ की गति अंतिम रूप ले ले विचार के तारे टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, अमर्श क्या है। तो दोस्तों अमर्श एक संचारी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। तो दोस्तों कबीरदास की भाषा थी सतपुड़ी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होगा। तो द्रौपदी का चीर का अर्थ होगा कभी समाप्त ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होगा। तो कूप मंडूक होना का अर्थ होगा सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या रा लावा संख्या दी गई है। ये चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। तो देखिए क्वेश्चन आपका ये रहा, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। ठीक है, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से यदि क्रोध ना हो तो कष्टों को चिर निवृत्ति का उपाय ही नहीं कर सकते। ये हो गया क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर देगा आपका ए या रा लावा, या ला रावा। दूसरा आपका क्वेश्चन ये रहा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है। ईशान दिशा, आंसर देगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो बलय शब्द का अर्थ क्या होगा, तो बलय शब्द का अर्थ हो जाएगा गोला का घेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए, आंसर हो जाएगा आजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो इसमें कारक है अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर या मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, देवालय अश्वशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ज्यों ही वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। निशा का वाक्यांश को पढ़कर सही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपका वाक्यांश रहा। ठीक है, आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं, आज बरसों बाद पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बिहार बाहर खिलाई है, गहनता की फसल लगाती हुई शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ करके दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व लाए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न होती है यानी कि कुछ महत्वपूर्ण कारक करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे पत्ते प्रतीक हैं मन के सूनेपन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका बी, विचारों की कलियों पर। 18वां क्वेश्चन आप लोगों का है, गहनता की फसल कवि का क्या आशय है। आंसर हो जाएगा आपका ए, विचारों में परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों हेतु विकल्प में उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान था, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। मोही सुनी, सुनी आवे हासी में कौन सा अलंकार है? इसमें बियोष्टि की अलंकार। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका राम, रामचरितमानस और गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो गंगा का क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका कालिंद्री। नेक्स्ट है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा श्रृंगार। नेक्स्ट है, सामूहिक हार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो सामूहिक हार्थक शब्द कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा आपका डी, भीड़। नेक्स्ट है, आशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंसर हो जाएगा आपका इक। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए भाग के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग को चिन्हित कीजिए। क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा आपका पुलिस द्वारा चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वधुमुई का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वधुमुई का संधि विच्छेद होगा वधु धन उर्मी। नेक्स्ट है, बिनात्र शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से भिन्न शब्द कौन सा होगा? आंसर होगा आपका बी, अनिल। नेक्स्ट है, हर्ष का विलोम बताइए। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? विषाद। नेक्स्ट है, गंदला मैला मलिन के शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, पकिल के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अब कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? तो विभिन्न देशों की तुलना में भारत का जो स्थान है वो है चौथा स्थान। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहा, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की है? आंसर हो जाएगा आपका सिप थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? तो ये होती है, डी आंसर हो जाएगा, यानी 32% से 35% लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या का घनत्व क्या था? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 828 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान वर्ष 2015-16 के वास्तविक बजट अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुआ है? तो 14.61%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? तो पृथ्वी का अर्धव्यास है 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा जौनपुर में। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, श्री चंद्र भानु गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? देखते हैं, आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आंसर मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? काफी इजी क्वेश्चन है। तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया वर्ष 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका सी, झरिया और झारखंड। आंसर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो किसका रहा है? न्यायमूर्ति एन के मल्होत्रा। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत का राष्ट्र चिन्ह कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका 12वीं पास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा ऊटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक की स्थिति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की, आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र श्रेणी में किसने ऑस्कर प्राप्त किया? तो किसने किया? आंसर हो जाएगा आपका आसिफ कपाड़िया ने, आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 300 से 400 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ब्रजेश रविनंदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आले का चयन किया जाता है? तो Ctrl+A का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा सी आपका, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका APPP। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रोम, आंसर हो जाएगा आपका सी। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्राम विकास अधिकारी BDO का पेपर हिंदी और सामान्य ज्ञान का, जो कि इसकी परीक्षा हुई थी 5/6/2016 में। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।